हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत सारे बिगनर्स लोगों का कमेंट आया था कि सर, हम पहली काली से यानी सी शार्प से बजा रहे हैं तो हमारा तार सप्तक के साफ और आवाज नहीं जा पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। वहां पर जा रहे हैं तो हमारी आवाज फट जा रही है और बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, तो हम क्या करें? और ऐसे कमेंट बहुत सारे आए थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना करके आपको मैं दूं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आप अगर सी शार्प से अभ्यास करते हैं, तार सप्तक के सा पर यानी यहां से अभ्यास शुरू करते हैं सी शार्प से, और तार सप्तक में अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तार सप्तक का सा अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं बखूबी, तो आप उसका सीधा सा उपाय है कि आप स्केल को नीचा कर लें। आप तार सप्तक के सा पर अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो आप सी शार्प से अभ्यास ना करके आप मंद्र सप्तक के धैवत से यानी ए शार्प से आप उसका अभ्यास करें, ठीक है? मंद्र सप्तक के धैवत से आप उसका अभ्यास करें, यानी मंद्र सप्तक के धैवत को आप सामान लें। मंद्र सप्तक के धैवत को सामान के अभ्यास करेंगे तो आपका तार सप्तक का सा कौन हो जाएगा? मध्य सप्तक का धैवत आपका तार सप्तक का सा हो जाए। पहले आपका तार सप्तक का सा था, ये तार सप्तक, ये पहली काली थी, लेकिन अब आपका हो जाएगा तार सप्तक का सा हो जाएगा कौन? मंद्र सप्तक का धैवत। मंद्र सप्तक के मध्य सप्तक का धैवत हो जाएगा आपका तार सप्तक का सा। मंद्र सप्तक के धैवत से अगर आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, इसको सा मानेंगे, तो आपका तार सप्तक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये आपका मध्य सप्तक का सा हो जाएगा, ये तार सप्तक का सा हो जाएगा। स्केल आप नीचे कर दें, ठीक है? तो स्केल आप नीचे कर लेंगे। आइए सबसे पहले मैं तानपुरा इसमें मिला ले, इस स्केल में मिला ले रहा हूं, इसमें मिला लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? तानपुरा को हम मिला लेते हैं मंद्र सप्तक के धैवत में, ठीक है? यानी ए शार्प में। ये हमारा तानपुरा मंद्र सप्तक के धैवत से मिल गया है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा कम करें। ठीक है, अभी हमारा मंद्र सप्तक के धैवत में हमारा तानपुरा मिल गया है। अब इसको आप सामान लेंगे, ठीक है? अब यहां से आप अभ्यास करेंगे। बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिगनर्स लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि वो सब पहले जब अभ्यास करना शुरू करते हैं, अभी अभी सीखना शुरू करते हैं, तो पहली काली से अगर सीखना वो शुरू करते हैं तो तार सप्तक का सा जो है उनका नहीं लग पाता है, कन्फर्म सही नहीं लग पाता है। तो उनको मैं यही सुझाव दूंगा कि वो अपना स्केल नीचे कर लें, यानी मंद्र सप्तक के धैवत को वो सामान लें, इसको सामान लेंगे। तो इसको सामान लेंगे तो पहले जो आप अभ्यास करते थे, पहले जो आपका सा था, रे था, ग था, म था, तो उसका स्थान बदल जाएगा, क्योंकि सा जो है, सा जब आप लगाते हैं तो सा के अनुसार ही रे, ग, म, प, ध और नी का स्थान बनता है, क्योंकि सा सभी स्वरों को स्थान देता है। तो अब आपका सा कौन हो गया? तो ये मंद्र सप्तक का धैवत हो गया, यानी पांचवी काली, मंद्र सप्तक की पांचवी काली। पहली काली ये, दूसरी काली ये, तीसरी काली ये, चौथी काली ये, पांचवी काली ये आपका सा हो गया। तो अब ये सा हो गया तो रे कौन होगा? आपका ये शुद्ध रे हो जाएगा, ये ग शुद्ध ग हो जाएगा, ये म हो जाएगा, ये प हो जाएगा, ये ध हो जाएगा, ये नी हो जाएगा, और ये आपका तार सप्तक का सा हो जाएगा। आइए इसको पहले एक बार गा के देखते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नी सा, ये तार सप्तक का आपका सा हो गया। फिर हम और वो करेंगे, स
सानी द पा मा रे सा। तो आप पहली काली से जब बजा रहे थे तो आपका फिंगर दूसरे हिसाब से चलता था, जैसे सारी गम ये आपका फिंगर चलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मंद सप्तक के दैवत को सामान ले रहे हैं तो आपका फिंगर चेंज हो जाएगा, स्वाभाविक है कि चेंज होगा। तो उसको कैसे बजाना है, आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मंद सप्तक के दैवत पर पहले अंगुली रखेंगे, सा, उसके बाद अंगूठा, रे, फिर गा, फिर पिछला मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, ठीक है। सारी गम बदनी सा सानी द प म ग रे सा, सारी गम बदनी सा सानी द प म ग रे सा। तो आपका स्केल अब चेंज हो गया है, अब आपका स्केल बहुत नीचे हो गया है, अब आप बहुत ही आसानी से अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप शुद्ध स्वरों का अभ्यास करें अच्छे से, उसके बाद आप कोमल स्वरों का अभ्यास करेंगे। आपका शुद्ध ये हो गया सा, ये शुद्ध रे हो गया, ये शुद्ध ग हो गया, तो सा ये शुद्ध रे है, तो कोमल रे कौन होगा, कोमल रे ये हो जाएगा सा रे सा, ये शुद्ध रे हो गया, ये कोमल रे हो गया सा रे, ये शुद्ध रे है सा रे, ये कोमल रे है सारे गा। अब ये आपका शुद्ध ग हो गया, तो कोमल ग कौन होगा, ठीक इसके नीचे वाला सारे शुद्ध ग कोमल ग सारे ग कोमल है सारे, ये शुद्ध ग है ग, ये आपका म है, ठीक है। म प तो प का दूसरा कोई स्थान नहीं होता, प तो एक ही होता है, ठीक है। ये म है, म कितना होता है, म दो होता है, कौन कौन, एक्टिव और एक शुद्ध, तो ये आपका शुद्ध म है सा रे ग, ये शुद्ध म है। तो तीव्र म कौन हो जाएगा आपका, ये अब तीव्र म हो जाएगा सा रे ग म, ये शुद्ध म है म, ये तीव्र म है ग म ग रे सा रे ग म, ये शुद्ध है म, तीव्र म है प, ये आपका प हो गया द, ये शुद्ध द है, तो शुद्ध द ये हो गया, तो कोमल द कौन हो जाएगा, जो पहले आपका मध्यम था, पहले आपका म था, वो आपका कोमल ध हो जाएगा सा रे ग म प द द कोमल द शुद्ध द द द नी, ये शुद्ध नी है, तो कोमल नी कौन होगा, शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध नी सा, ये तार सप्तक का अब आपका सा हो गया। पहले ये क्या था, पहले ये आपका जब यहाँ से आप गा रहे थे तो क्या था, ये आपका शुद्ध ध था, अब ये आपका तार सप्तक का सा हो गया, ठीक है। सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, ये आपका शुद्ध हो गया। इसमें आप चारों कोमल को लगाना होगा, तो कैसे लगाएंगे, सा रे ग ये सा कोमल रे कोमल ग सा रे ग म प ग नी सा सा नी द प म ग रे सा, यानी भैरवी थाट का हो गया सा नी द प म ग रे सा, ये कोमल रे ये कोमल ग
ये कोमल ध ये कोमल नी सा रे ग म म न नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो कोमल और शुद्ध सभी स्वरों को आप पहचान गए। तो अब आप अगर चाहें तो पहली काली से भी अभ्यास कर सकते हैं, और अगर आपका आवाज तार सप्तक के सा में पहली काली से अगर आप अभ्यास करते हैं यानी सी सार्प से अभ्यास करते हैं तो तार सप्तक का सा अगर आपसे नहीं लग पा रहा है, ऊंचा स्वर अगर आपका नहीं जा रहा है तो इसके नीचे कर दें, और मंद्र सप्तक के धैवत से यानी मंद्र सप्तक के ए सार्प से अभ्यास करना शुरू करें। ए सार्प से अभ्यास करेंगे तो मध्य सप्तक का जो पहले आपका धैवत था वो तार सप्तक का आपका सा बन जाएगा, और आपको आपका आवाज फटेगा भी नहीं, आपको कोई जोर भी नहीं देना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छे से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि अब आप पूरा समझ गए होंगे, आप इस तरह की परेशानियां आपको नहीं आएंगी। अब अगर कोई परेशानी आती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।